विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ही रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस या कोई और नेता प्रदेश की कमान संभालेगा। हालांकि महायुति में बीजेपी को सबसे सीटें मिलने के वजह से देवेंद्र फडणवीस को सीएम की रेस से सबसे आगे माना जा रहा है। इस्तीफे से पहले निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने समर्थकों से सोशल मीडिया मंच एक्स की वे उनके मुख्यमंत्री बने रहने के पक्ष में समर्थन जताने के लिए दक्षिण मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास वर्षा के बाहर एकत्र नहीं हुए। वहां पे शिंदे ने आगे कहा कि महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी, जहां हमने एक महागठबंधन के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा है और हम आज भी साथ हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपना राजीनामा राज्यपाल महोदय को सुपुर्द किया है और राज्यपाल महोदय ने उनको केयर टेकर मुख्यमंत्री के हिसाब से कार्यभार संभालने के लिए बोला है, तो उन्होंने आज से वो कार्यभार संभाला है। मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपना राजीनामा राज्यपाल महोदय को सुपुर्द। बिहार में आरक्षण और स्मार्ट बिजली मीटर स्थापना के विरोध में आज विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राजद नेता राबड़ी देवी के साथ अन्य विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिस दौरान राजद नेता राबड़ी देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर हटाए जाए, इसके तहत बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, राज्य सरकार ने जनता को धोखा दिया है। के सेक्टर 26 स्थित क्लब के पास मंगलवार सुबह दो जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सहित अन्य जांच टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू की गई। जानकारी के अनुसार सेक्टर 26 स्थित डेवरा क्लब में बाहर बाइक पर आए तो दो युवक विस्फोट करके मौके से फरार हो गए। धमाके से क्लब के साथ सभी शीशे चटक गए। यह बम है या अन्य कोई विस्फोटक पदार्थ था, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस सहित फॉरेंसिक एक्सपर्ट व अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है।